दिलीप ट्रॉफी 2024 में असली मजा तो पंत वर्सेस ईशान किशन और गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़ में आएगा। यूं तो इस साल के दिलीप ट्रॉफी में कई सारी चीजों को लेकर लड़ाई होंगी कि ऋतुराज गायकवाड़ बेहतर है या शुभमन गिल। लड़ाई इस बात को लेकर होगी कि क्या श्रेयस अय्यर में कप्तानी वाले गुण हैं या नहीं। लेकिन भाई लोगों, आप यकीन करिए, ये सारी बातें एक तरफ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे असली लड़ाई तो पंत और ईशान किशन के बीच में है। पंत और ईशान किशन एक जमाने में अंडर 19 में साथ ही में खेला करते थे। उस टाइम पे ईशान किशन का जलवा जलाल हुआ करता था, लेकिन फिर ईशान किशन की अगुवाई में खेलने वाले पंत उनसे आगे निकल गए। उनको दिल्ली की टीम ने IPL में सेलेक्ट कर लिया और उन्होंने IPL में खूब रन बनाए। भारत के लिए भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कमाल कर दिया। लेकिन जब ऋषभ पंत अपने करियर के पीक में जाने वाले थे, तभी उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण वह क्रिकेट के मैदान से 1.5 साल तक दूर हो गए। उसी बीच में ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। लेकिन अब जब पंत की इतने दिनों बाद क्रिकेट में वापसी हुई, तो अब एक बार फिर से ईशान किशन क्रिकेट से गायब हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों एक साथ में क्रिकेट के मैदान में वापस लौटे हैं, और दिलीप ट्रॉफी में ये माना जा रहा है कि चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, या T20I क्रिकेट हो, क्या सच में ईशान किशन ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये सवाल हम सबके जुबान में इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से ईशान किशन ने क्रिकेट के फील्ड में एक जबरदस्त कमबैक किया है। ऊंची बाबू टूर्नामेंट था और उस टूर्नामेंट में ईशान किशन ने क्या गजब की परफॉर्मेंस की है, जिसको देखकर मजा ही आ गया। एक तरफ ऋषभ पंत वर्ल्ड कप 2024 में और दिल्ली प्रीमियर लीग में अपना उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके लिए ऋषभ पंत मशहूर हैं, और दूसरी तरफ ईशान किशन ऊंची बाबू टूर्नामेंट में अपना जलवा जलाल करके बैठे हैं। वो अपनी टीम की कप्तानी कर रहे थे, मध्य प्रदेश के खिलाफ पहला ही मैच था, और पहले ही मैच में जब 92 रन के नीचे स्कोर पर थे, तो उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, एग्रेसिव खेलना, वो उसमें माहिर है। और दूसरी पारी में भी जब उनकी टीम को जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी, तो किशन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जितवा दिया और वो इस मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए। और यहीं पर अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, तो जब से वो कार एक्सीडेंट के बाद IPL में खेलें, T20 वर्ल्ड कप में खेलें, और यहाँ पे अब दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो वो रन तो बना रहे हैं, लेकिन पंत के रन बनाने का वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा जो इससे पहले था। जो इससे पहले वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेला करते थे। ऋषभ पंत एक बड़े प्लेयर हैं और दिल्ली प्रीमियर लीग में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेंदबाजों के खिलाफ ऐसे आउट हो रहे हैं जैसे कितने बड़े गेंदबाज हो। अगर देखा जाए पंत के मौकों को, तो उनको भर भर के मौके दिए जा रहे हैं, सभी मौकों पे अभी तक वो नाकाम ही नजर आए हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है, किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अगर आपको टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पंत और ईशान किशन में से किसी एक बल्लेबाज को चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? आप सभी लोग अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो, अपनी राय जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय गाइस।